मार किस पे पड़ती है? जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीजों की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन एक तो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी जो तीन कानून लेकर आए थे उससे लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। आज महीनों निकल गए, मैंने कहा 7 महीने हो गए, किसान आज भी तड़प रहा है, सड़कों पर है, दुखी है, हर राज्य का किसान आंदोलित है। उस किसान की कमर तोड़ने के साथ साथ उसकी जेब पर डाका डाला गया, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और जवाब हम मांगते हैं। लेकिन आप सब जानते हो कि जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। अब आखिर सुन लीजिए, जब यूपी की सरकार था तो आखिरी के 3 वर्ष 2011 से 2014 जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है पेट्रोल डीजल का वो 108 डॉलर प्रति बैरल पिछले 3 साल 2011 से 2014। उस समय पेट्रोल था 71 रुपये और डीजल था 57 रुपये। आज क्रूड ऑयल की जो कीमत है 45 पहुंच गई थी और आज उससे बहुत कम है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है और साथियों आप सब जानते हैं जब अर्थव्यवस्था मंदी पड़ती है तो डिमांड कम होती है, तो डिमांड कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहा है तो क्या कारण है कि उसका जो फायदा है वो आम नागरिक तक नहीं पहुंचा रहे हैं? एक जन कल्याणकारी सरकार होती तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे हुए दामों का सीधा लाभ वो आम जनता को पहुंचाते हैं। बनस्पत आप उसके टैक्स बढ़ा रहे हो, सेस बढ़ा रहे हो, एक्साइज बढ़ा रहे हो और लगातार बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं कि रुपये हो, इसमें पिछले 6 महीने में 66 बार दाम बढ़े हुए।